हे गाइस, तो अभी मैं ना यहाँ से रोल करके नीचे जाने वाला हूँ। काफ़ी ऊंचा है, यहाँ से दिख नहीं रहा कोई शायद। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर इस वीडियो में किसी को भी कुछ भी मतलब मुझे कुछ हो रहा है तो किसी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ अगर मुझे कुछ होता है तो। कैसे हो सारे? सारे सर बढ़िया हो गए। सो आज हमारा मतलब कल शूट है हमारा, हम फिलहाल जा रहे हैं कुफरी शिमला, वहीं करेंगे शूट। एक गाना बहुत बढ़िया आने वाला है, एक दो तारीख को आ जाएगा। और हम निकल रहे हैं, हम यहाँ से जाएंगे सेक्टर 76, वहाँ से कोई भाई उनसे मिलना है, उसके बाद हम निकलेंगे। जो भी सफर होगा आप सबके साथ शेयर करूँगा। देखते रहो, बने रहो, प्यार देते रहो, ठीक है भाई? बहुत बढ़िया। हमारी पीछे गाड़ी ये रही और सारे लोग पीछे हैं। अब जा रहे हैं हम शिमला, हम निकलेंगे यहाँ से। जो जो सीन होगा मैं पहले ही बता चुका हूँ, सारा पूरा रास्ते में दिखाता रहूँगा। बने रहो, देखते रहो, ये बार बार नहीं बोलूँगा। हम आज कुछ ब्लॉग में इंप्रूवमेंट भी होगी। हम गाड़ी में गिरवा रहे तेल, इस गाड़ी को नहीं लेके जा रहे हम, अपनी डस्टर को नहीं लेके जा रहे। भैया के फ्रेंड हैं, उनकी एस्क्रोस है, उसमें लेके जाएंगे, क्योंकि थोड़ी पहियों में दिक्कत है हमारा, हमेशा ना लेके जा रहे, दूसरी गाड़ी में जाएंगे। जैसे भी एक फ्रेंड है, सेक्टर 76 में उनसे लूँगा गाड़ी। अभी फिलहाल इसमें थोड़ा तेल वेल गिरवाते हैं, क्योंकि बंद बंद ना हो जाए, इसलिए तेल वेल गिरवा के चलेंगे सीधा फिर 76 में भैया इस गाड़ी लेकर। दोबारा फिर जो जो चीज़ें होती रहेंगी आप सबसे मिलता रहूँगा, बताता रहूँगा जो जो होगा, ठीक है जी। फाइनली हम पहुँच गए सेक्टर 76 और यहाँ लेंगे हम गाड़ी। भैया ने दोस्त को ऊपर ने फ़ोन कर लिया है, वो भी आ रहे हैं। और भैया ने मुझे फोजिल की गाड़ी गिफ्ट करी है, जिसकी कीमत 18,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से दूसरी गाड़ी लेंगे, गाड़ी ले ला कर दोबारा फिर आपको दूसरी गाड़ी मिलेगी। हमारी गाड़ी ये रही एस्क्रोस, और ये हमने अपनी डस्टर यहाँ दे दी है। ये लो चाबी प्रतीक, अब चलते हैं इस एस्क्रोस में, ठीक है। तो पेट्रोल पंप पे आ गए, पेट्रोल पंप में बोल रही का पेट्रोल वाला ही ना कोई, कि यहाँ पेट्रोल लगा दें। एक एकमात्र पेट्रोल पंप है, उस तो भी पेट्रोल दे दो क्या करें, काले भैया कल। अब बैठ जाना जल्दी गाड़ी में, चलो भैया कहीं और देखते हैं। अब फिलहाल हम यहाँ एक दुकान पर रुक के यहाँ ले रहे हैं हम चिप्स पानी वानी, ये भैया की दुकान पर। तो पानी वानी लेके गाड़ी में बैठ जाएंगे और फिर भाग जाएंगे जल्दी से, ठीक है। बस बताते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और कुछ भी ना, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग भाई, सवेरा हो गया और मेरी आँख अभी अभी खुली है, तो मैंने देखा अरे सब भैया कैमरा लेकर ना हमारे, समझ में आया क्या क्या हो गया। ब्लॉक के बीच में भैया ने बजा दिया गाना, पता ना कौन सा रंगीन फिल्म, पता ना क्या शूट कर दी भैया ने। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़ से थोड़ा सा पहले, मतलब शिमला चंडीगढ़ के बिटवीन है। और टोल टोल बोल दो, काट दान दो, कोई दिक्कत ना। सामने पहाड़ वहाड़ में भैया ने बहुत सारे सिनेमेटिक काट रखे हैं, वो सारे मैं डाल दूंगा अभी, इसके इस जो बकवास है ना इसके बाद डाल दूंगा, देख लेना बढ़िया लगेगी तो मैं लगेगी, देख लेना आप क्या ही बोलूँ, ठीक है। बाकी बात बाद में होगी, अभी थोड़ा चल रहा रास्ता देख लूँ, मैं इंजॉय कर लूँ बढ़िया, तो बहुत दिन बाद आऊँ पहाड़ों पे, ठीक है। कुछ ऐसी है, ये ड्रैकल का मटर जो हो ना दबसा गला आदमी गाड़ी में बैठा ना, जब तक टोपा नीचे करके सोई जा रहा सोई जा रहा सोई जा रहा, जरा कौन से ख्वाबों में देखो ये ड्रैकल का मटर। इन भाई को देख के तुम्हें लगा हलवाई की दुकान पे कोई भाई जलेबी बना रहा हो, है ना, ऐसा लगे ना भाई मेरे तो बहुत मन हो रहा कि ये भाई कहीं जलेबी बनाता हुआ मिल जाए, मैं वही खा लूं। इस बात सुनो प्रतीक को ना बहुत मजा आया नहीं मुझे सीरियसली ऐसी भाई बात यार, भैया देख के तो क्या देखो पीछे पहाड़। अरे गोलू भाई, हाँ भाई, इतनी माधुरी गाड़ी तो आगे हम बाहर पहाड़ देखो भाई, ये वाले पहाड़ है ना, ये बहन को अड्डा की वाइफ दे रहे हैं गाली, इग्नोर करना, सॉरी यार सॉरी, मैंने गाली दे दी, गाली देता ना हूँ मैं तो, इग्नोर करना मेरी गालियों को। ये वाले तो पहाड़ ना अलग ही दिख रहे हैं, अलग ही मजा सारा ना देख के। तो यहाँ से क्या हम उतर गए, यहाँ उतरे, यहाँ उतरने का रीज़न ये हुआ कि हम पीने जा रहे हैं चाय, चाय में लेके वहाँ भैया की दुकान पे, तीन दुकानें हैं, एक उंगई एक इंगई एक इंगई, पर यह वाली दुकान पे गई दुकान है कि, मतलब मैं दिखा दूंगा, दिखा क्या दूंगा, तुम कभी आना तो पी लेना हैप्पी कॉन्फेक्शनरी, यू भाई दुकान, यू यू वाली दुकान है ना, यह दुकान पियेंगे हम चाय।
इस भाई की दुकान है चाय, यहाँ कर लेंगे चाय पाए और मैगी पैगी जो भी है सिस्टम देख लेंगे, खा पी लेंगे, क्योंकि अब चल रहा हूँ सीधा पार्टी चढ़ेंगे ऊपर ही जाना, पीछे का व्यू देख लो एक बार ये वाला, ये तो देखते हैं खाते पीते हैं फिर मिलेंगे दोबारा। हाँ। भाई ले आओ चाय दे दो यार, किसी को बताना मत ये दोबारा लेके आया हूँ, ठीक है। हमारी चाय 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 ले लो, फिर हमारी चाय मैगी भी आएगी, मैगी के लिए हो गई है लड़ाई, कोई कह रहा मैं नहीं खाऊंगा, कोई कह रहा मैं खाऊंगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, सब भैया दो मैगी खाएंगे। अबे आधी भी नहीं। प्रतीक की देख पक्की है क्या मैगी? मैं पूरा पी लूंगा भाई। ठीक है, मैगी का एक पैकेट भाई। ट्रैकल का भी खानी है एक पैकेट मैगी, ट्रैकल भाई का मर्डर। यो चाय, अभी अभी फ्री स्टाइल में रैप कर दूंगा, नहीं तो ज्यादा देर सनराइज हो रहा है, तुम्हें दिखाता हूँ पीछे यहाँ से, तुम्हें सही से देखना रहोगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ बैक कैमरा से, बैक कैमरा से देखो बताओ कैसा लगा। सनराइज होते हुए तुमने देखा, मैंने देखा सवेरे के दिन बाद, तो मजा आया होगा, ऑब्वियसली बात है मजा आया ही होगा। अब आया हुआ ठीक है, अब कैमरा वैमरा सेट कर रहे हैं, एक दो शॉट्स इधर ले लेंगे और रास्ते में चलते फिरते मिलते रहेंगे आप सबसे। हाँ तो भाई साहब जगह जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं कुपरी, आप छोटा भैया बताओ कहाँ जा रहे भाई? बस भैया हमारे साथ आ गए, और ना पता हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है तो भाई अब सीन कुछ ऐसा, हमने मैगी भी खा ली, मैगी भी खा ली, इग्नोर मार दो, मैगी भी खा ली, ऑमलेट भी खा लिया, और क्या खाया, चाय पी ली, इन चीज़ें कर ली, और ये देखो दिख रहा होगा तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। अब गाड़ी में बैठ रहे हैं, वरुण के पैर में चोट लग रही है वरुण के, बट हम फिर भी यहाँ शिमला में कुफरी में शूट करने आए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ महादेव। वो जो आ रहा है ना, वो मतलब ये ब्लॉग डालूंगा उसके बाद ही देख लेना। और अब बैठ जाते हैं ये हमारी गाड़ी, बैठ जाते चलते आगे कुफरी में, जहाँ बर्फ बर्फ मिलेगी, पहाड़ वहाड़ बड़े मिलेंगे, रास्ते भर में जो जो चीजें बड़ी होंगी दिखाता रहूंगा। ठीक है, फिलहाल पहुंच गए हैं शिमला के आधे रास्ते में, और यहाँ भाई को एक भाई हमारे साथ आया है, उसको हो गई है उल्टी, तो दो घंटे के लिए हमने गाड़ी रोकी, तो गाड़ी रोकी तो मैंने सोचा पीछे का ना आपको पीछे का वो दिखा दूँ व्यू, तो पीछे का व्यू देख लो एक बार, मज़ा आ जाएगा ऐसा मुझे लगता है, बाकी तुम भी देख के बता देना क्या। पता है कैमरा ना इस व्यू को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कि कितना बढ़िया लग रहा है, बट सीरियसली ये व्यू बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू ऑल्सो ये बहुत बढ़िया, बट मैं कैमरे में इतना बढ़िया दिख ना रहा। तो भाई फिलहाल क्या सीन है, सीन यही है कि थोड़ा सा देख ले, फोटो फोटो खींच ले देख दो, और फिर चलते हैं आगे, उस बाइक की उल्टी उल्टी हो जाएगी तो गाड़ी में बैठा फिर चलेंगे आगे, ये व्यू बहुत बढ़िया है, थोड़ी देर इन्जॉय करना दो आँखों से, देखो तो अपनी आँखों से, ठीक है आगे चलेंगे और व्यूज जो आएंगे वो भी दिखाऊंगा आपको। स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल हो रही है फेस पे, देखो थोड़ी थोड़ी, चलो भैया बैठो बैठो, यहाँ नहीं, यहाँ से थोड़ा ऊपर चल रहे हैं, ऊपर चलेंगे ऊपर सारी चीज़ें हो जाएंगी, यहाँ पैसे पे मतलब नहीं, तो ऊपर चल रहे हैं थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर और रह रहा है, वहाँ पे कुछ बढ़िया सा प्रोग्राम बनाएंगे, सिर्फ सिर्फ सिनेमैटिक देखने को मिलेंगे, क्योंकि बर्फ इतनी ज़्यादा है कि मेरी शक्ल से ज़्यादा मलूक है यहाँ की बर्फ, समझ रहे हो, तो इस बार कर रहे हो बर्फ में। तो इस मारन भैया मेरी शकल और किसी की शकल न दिखेगी, सिर्फ बर्फ 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 बर्फ, बीच बीच में आऊंगा कुछ कुछ बता दूंगा, कुछ समझ में आएगा तो ना, तो देखो बकचोदी होती है वही होएगी, ठीक है बाय बाय। फाइनली हम पहुंच गए हैं कुफरी, कुफरी देख रहे हो ये बहुत बढ़िया सी लोकेशन है, पीछे पहाड़ वहाड़ भाई दुनिया भर के, ये देखो पूरे में बर्फ ही बर्फ हो रही है, और अब यहाँ जगह देखे ये कुछ इधर होटल्स हैं, है ना, बातचीत कर ले, होटल वोटल लेने तो बात करनी पड़ेगी उनसे, तो पहले बात करें होटल फाइनल कर लेते हैं, लेना कौन सा बढ़िया रहेगा, उसका कुछ शूट वूट जो करेंगे वो स्टार्ट करेंगे,
तो पहले इनसे बात बात कर लो होटल में, दिखाऊंगा कौन सा होटल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कैसे करेंगे। मैं चप्पल पैर का इस खतरनाक से बर्फ पर चढ़ कर तो आ गया हूँ, और ये होटल है यहाँ बात करूँगा। और ये पूरे देखो यहाँ सो यहाँ बर्फ ही बर्फ किंगे सु, देखो ये रास्ता है और ये रास्ता और ये पीछे का कुछ सिस्टम। एक दो रूम मिले थे बट इतने बढ़िया नहीं थे, पैसे ज़्यादा मांग रहे थे। थोड़ा आगे चलते हैं वहाँ देखते हैं रूम, वहाँ में भी बढ़िया मिल जाए। मैं गिर गया, चोट लगी, आगे चल के रूम ले लिया है और ये रूम लिया बहुत बढ़िया रूम है। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ उसका, जो यहाँ से व्यू है ना वो बहुत प्यारा है। हाँ भाई, हाँ भाई ले लिया है रूम मेरा हमारा, ये देखो इनका रूम दूसरा उधर वाला, ये हमारा रूम है। मैं दिखाता हूँ इसको यहाँ से ना, तो व्यू है ना ये रूम में कुछ बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, अच्छा है। ये इसका जो व्यू है ना वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। पहले ऐसे देखो ऐसे, और अब दिखाता हूँ दूसरे तरीके से। तो अब रेडी रेडी हो गया, अब चल रहे हैं बस 5 मिनट में शूट वूट करने, शूट की लोकेशन पर चलेंगे वहाँ, फिर आपको दिखाऊंगा क्या क्या करा, क्या क्या होएगा और कैसे कैसे होएगा सब दिखाऊंगा, ठीक है जी। चलो मैं पहले चलूं, देख रही टांग ये सबको उतार दूंगा मैं, मत उतारना अभी पन्नी, चलो यार गाइस, चलो 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 उठाओ कैमरा, चलो कम ऑन यार गाइस, बढ़िया लग रहा है मल्लू सुंदर सुशील। हम तो मैं अब आ गया हूँ गाड़ी के सामने, गाड़ी हमारी यूरी और सब आने वाले हैं ऊपर, 5-1 मिनट में आ जाएंगे। होटल बहुत बढ़िया मिल गया, मतलब होटल का रूम बहुत सेक्सी है, मजेदार है, देखने दिखाने लायक है। और भाई तो और भाई रेडी है लीवा की जैकेट पहन के, ठीक है। तो अब चल रहे हैं शूट की लोकेशन पे, जावा शूट होगा वहाँ चलते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं, या जो भी लोकेशन होगी, बर्फ ही बर्फ हो रही है बस, तो चारों तरफ वहाँ जो जो होगा इंटरेस्टिंग सा सब दिखाऊंगा आपको, बेफिक्र रहूँ। तो मैंने और ऋषभ भैया ने प्लान करा है कि हम पैदल जाएंगे थोड़ी दूर तक, जहाँ पे हम शॉट्स लेने वाले हैं। और वरुण प्रति और ट्रैकर का मटर पहुँच गए हैं गाड़ी में, ट्रैकर हमारा भाई, अब हम भी पहुँच गए ऑलमोस्ट, तो यहीं करेंगे कुछ शॉट्स बढ़िया बढ़िया से जो बर्फ वाले हैं। पहुँच गए लोकेशन में, भी आपको दिखा दो, पहले डिस्कस करूँ थोड़ा सा, फिर दिखाऊंगा आपको लोकेशन है, इतना दिखाऊंगा जहाँ शूट करेंगे। पहला शॉट हम यहाँ लेंगे यार, यहाँ हो रही है बर्फ ही बर्फ, देखो बर्फ ही बर्फ बर्फ। ये देखो ट्रैकल द रैपर रेडी हैं और वरुण आ रहा, बाकी शूट करते करते बातचीत करते रहेंगे, बस लोकेशन वोकेशन दिखाता रहूँगा, जन्नत सी जगह। चौथी लोकेशन में पहुंच गए हैं, दूसरी तीसरी लोकेशन में तो दिखाई नहीं, मतलब दिखाने वो कुछ आ रहे थे पहाड़ वाड़ थे और ये बर्फ थी, यहाँ कुछ दिखाने लायक था तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। इन भाई साहब ने बहुत नखरे खा के, इन भाई साहब जो बीड़ी पी हुए ना, इन भाई साहब ने बहुत नखरे दिखा के, ये 350 रुपये मैं लोगों से फोटो खिंचवाते हैं, हम चलिए 5,000 रुपये। ये एक ये एक ये भालू सा, एक ये छोटा भालू, ये दोनों ना दोनों दोनों हमने लिए हैं किराए पर, ये ना यहीं दौड़ाएंगे इसी रोड पर दौड़ाएंगे। चलो अब दौड़ाते हैं तो मनी फिर मिलते हैं, ठीक है। वो कह रहा होगा मनी मनी, हाँ वो मन में कह रहा होगा किराए में मेरे माँ बाप के, ये कट कर दूंगा दिक्कत दौड़िया, अभी इसके शॉट दिखा दूंगा मुझे। सर्दी में हो गई हालत खराब, इतना ठंड में लग रही है कि मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रही, इधर उधर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, जब से बर्फ में घूम रहा हूँ बर्फ ही बर्फ। अब जो याक वाले शॉट्स थे वो भी नहीं पट गए, आई थिंक 30-40% वीडियो 30% हो गई होगी, अभी 70% बची हुई है। अब मैं देख रहे हो मैं सही से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ सांस फूल रही है मेरी बर्फ की वजह से। तब इनके पैसे वैसे दे दा के अनदर लोकेशन पर चलेंगे, फिर वहाँ मिलते हैं आप सबको, ठीक है।
ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और अभी एक दो शॉट्स और थे जो हम कर सकते थे, बट ड्यू टू बैटरी खत्म हो गई, दैट्स वाई हमने फिर सोचा चलो अब शूट नहीं करते, खाना वाना खा लेते, भूख भी लगी सवेरे से, कुछ खाना सवेरे से रात से कुछ भी ना खाया। और यू भैया या कि लोअर ना वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस है लोअर, नो कह रहा हूँ मेरी लोअर के ना कई फैन हो गए, मैंने भाई मैं तो छोचड़ है वह देख के, समझ रहे हो शिष्य में बात होगी शिष्य में। तो ठीक है अब खाना बुना खाने ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ब्लॉग ब्लॉग देखूंगा, कर मन होएगा तो कर दूंगा, नहीं मन होएगा तो नहीं करूंगा, ये मेरी मर्जी है। ठीक है चलो तो खाना वाना खा के मिलते हैं। ठीक है फाइनली हमारा खाना आ चुका है और लग गया टेबल पर, चालू भोजन भोजन के रेट बोल, कल से अब फाइनली हम प्रॉपर जो खाना होता है ना वो अब खा रहे हैं, तो चैन से खा लेंगे, खा पी के क्या खेलोगे? दम सरारा खेलेंगे, इनकी टीम है आज तक हमसे जीती भी, मैं और ऋषभ भैया और मैं, कितना हरा दिया हमने दम सरारा, इतना काम हो जाना भाई। चलो प्रिया भाई अंदर से कुछ लग रहा है, और ये भाई देखो भाई मैं इन सबको हरा देता हूँ अकेले, इसलिए मेरा नाम नहीं ले जा रहा है ना, इस इन सबको हरा देता हूँ अकेला, हरवा देता हूँ अकेला, जिस टीम में जाता है अकेले हरवा देता है, रोटी पानी में खा लू दाल वाल मिक्स वेज वेज दुनिया भर की चीज होती है वो खा ली, चाय भी पा का हमारा मन हो रहा है, क्या खाने का मन हो रहा है कमेंट करो बता दो किसका समझ आता है, हमें तो बहुत मजा आता है भाई, अब आइसक्रीम खा होगा नीचे मिलेंगे रूम में 24 घंटे बाद, मुझे तो ये नसीब हो गई है, ना तो वैसे नसीब ना होने की, वरुण को और ऐसा भैया को अब तक नसीब ना हुई है, अभी छोटी छोटी जगह बनाऊंगा मैं धीरे धीरे, ऐसा साफ करूंगा ठीक है, तो ऐसा भैया को और वरुण को भी जगह मिलेगी, अभी फिलहाल हम खेलेंगे, क्या खेलेंगे भाई, कौन सा गेम हो रहा है वो, दम सराज वही खेलेंगे। ठीक है अभी ये ब्लॉग कल कंटिन्यू करूंगा, अगर मुझे कुछ अच्छा सा लगेगा ना तो कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करना, दम सराज ठीक है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सवेरा हो चुका 8:30 बज गए और मैं फ्रेश वगैरह सब हो गया, मैं तो स्टार्ट करूँगा शूट और अब चाय वाय आगे, चाय वाय पी लेते हैं, चाय पी कर रेडी जाता हूँ, फिर को मिलूंगा थोड़ी देर। तो भाई साहब हमने रूम छोड़ दिया, मतलब कि चेकआउट कर दिया और बैग वैग लेके आ गए ऊपर, गाड़ी में धारा जा रहा है इधर आप देख सकते हो, और अब हम आज जो शूट्स हैं वो ज़्यादा नहीं है, मतलब 50% वीडियो कल कंप्लीट कर ली थी, अब बचे हैं 50% और, तो वो आज में काटेंगे और मतलब शूट करेंगे आज ही आज में निकलेंगे हम यहाँ से अपने घर को, बिकॉज बहुत सारा काम है हमें वहाँ पे भी, तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं गाड़ी वाड़ी में सामान वामान धरवा के हेल्प करवा के थोड़ी सी, फिर यहाँ चलते हैं थोड़ा सा आगे इस तरफ, यहाँ करेंगे दो तीन शॉट इधर लेंगे मतलब इतने पूरे सर्कल में लेंगे, तो चलो चलते हैं अब गाड़ी में सामान धरवाने, उसके बाद चलेंगे दूसरी लोकेशन, फिर वहीं मिलूँगा आप सब। वहाँ से बिल्कुल एंड से यहाँ तक चढ़ गए, पहले कुछ शूट यहाँ करे, अब यहाँ से यहाँ चढ़ के आ गए, ये देखो ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं भाई साहब, ये देखो सब हमारे, तो फिर भी इसी था पर्टिफिकेट था, ये इनका पैर टूटा हुआ बट फिर भी ये यहाँ तक आए, इनकी हिम्मत के लिए 10,000 व्यूज़, ठीक है 10,000 व्यूज़ मैं डालूँगा ना इनकी हिम्मत के लिए 10,000 व्यूज़, ठीक है अभी हम जाना ना बिल्कुल टॉप पे बर्फ पे, अब मैं जा रहा हूँ ऊपर देखना थोड़ा सा कि कहाँ कोई गड्ढा तो नहीं है, बिकॉज ना नीचे हर जगह बर्फ के नीचे गड्ढा था, तभी चलता हूँ ऊपर वहाँ से, अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है बट फिर भी जा रहा हूँ, ये देखो इतना डंडा जा रहा है इधर, देखिए चढ़ गया हूँ, कहाँ तक देखूँ भैया, कहाँ तक देखूँ, ये देखो यहाँ बर्फ, एक शॉट है तो बिल्कुल प्रॉपरली बर्फ में लेना है, इसलिए मैं यहाँ तक आई थिंक इतना इनफ होगा, देखो पैर ठीक है, ये देखो बिल्कुल पैर अंदर चले, पर ठीक है यहाँ तक आ गया, मैं वरुण को ऊपर लेके आ जाऊँ,
फिर जो शूट करेंगे फिर वीडियो दिखाऊंगा आपको, तो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। आवाज़ कम आ रही होगी, सॉरी उसके लिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बाबा मिल गए, इनके साथ हम एक शॉट करेंगे अभी। मतलब कि हमें वीडियो मिलनी थी बाबा जी की, तो हमारी किस्मत बढ़िया थी कि हमें यहाँ मिल गए। आशीर्वाद दो सबको, आओ तो चलते हैं वहाँ शूट करेंगे। तो अब एक और शॉट है बाबा, जो इनका शॉट है वो वहाँ लेते हैं थोड़ा सा आगे, फिर दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा सर में मेरे दर्द हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं, जा रहे हैं आगे, वहाँ करेंगे थोड़ा शॉट। तो चलो वहाँ चलते हैं, जो ये वाला शॉट लेंगे ना फिर आपको वो दिखाऊँगा। मुझे ज़रूरत पड़ गई थी थोड़ी सी खून बनाने के लिए पानी की, तो अभी फिलहाल पानी ऐसे यार यहाँ बर्फ ही बर्फ है, पानी तो इतना ईजिली मिले ना। तो एक भैया आए यहाँ से, उन्हें दिया मैंने पानी की बोतल, तो वे ला के दे रहे हैं। ये रहे हमारे भाई साहब, थैंक यू भैया, इन्होंने हमें पानी दे दिया। अब चलते हैं लोकेशन पर, वहीं लोकेशन चल गया दोबारा मैं लूँगा, खून वून बनाएंगे या फिर हैंड पेंट करेंगे, शिव जी का हाथ बनाना वो सब मैं दिखाऊँगा। रोल करके नीचे जाने वाला हूँ, काफ़ी ऊंचा है यहाँ से, दिख नहीं रहा कोई शायद। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर इस वीडियो में किसी को भी कुछ भी मतलब मुझे कुछ हो रहा है तो किसी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ अगर मुझे कुछ होता है तो। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए करना पड़ रहा है, और कोई भी मतलब ट्राई ना करे। हाँ यार प्लीज़, ये सब ट्राई मत किया करो, ये सिर्फ वरुण बुंदेला ही कर सकता है। गाइस प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखना, हाँ लाइक कर देना अगर मैं थक गया। नीचे जा रहा हूँ मैं, क्योंकि वरुण यहाँ से गिरेगा नीचे, तो यहाँ से पूरा शॉट मैं दिखाऊंगा आपको नीचे जाके। ठीक है, कहाँ से गिराना है, यहाँ से गिरा दे। हाँ ठीक है, यहाँ से गिरो, सबसे बेस्ट वही वही। चलो तो अभी एक बार पहले वरुण नीचे चलूँ, फिर आपको दोबारा दिखाता हूँ क्या क्या शूट करें। वो खड़ा वहाँ पे वरुण, और अभी यहाँ से नीचे निकलेगा, और दिखाता हूँ बैक कैमरे से आपको। वरुण
बस बचे हैं दो लास्ट के शॉट्स जो कि करने हैं। पीछे तो कैफे हैं, यहाँ कैफे पे शूट करेंगे। फिलहाल दो सीन रह रहे हैं, वो यहीं निकालेंगे। वो बढ़िया शॉट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट शॉट्स हैं, वो यहीं काटेंगे। और पहले सारे आ रहे हैं पीछे और वहाँ चलते हैं। वहाँ जो शॉट्स अब हम करने वाले हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा लगेगा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक करना, सपोर्ट करना, शेयर करना। नहीं 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 काट रहा नहीं। इधर आओ, बेटा इधर आओ। चल हट जा। ठीक है ठीक है, अरे भैया खा लेगा इतना। हाथ में बुजू। बोला बोला मुंह पे बुलाओ, रखो मुंह पे रखो। डिस्टर्ब मत करो साउंड। नो नहीं रखो, थोड़ा जैकेट पास रखो। हाँ थोड़ा हल्का। नो बताता हूँ, बहुत बढ़िया था व्यू शिमला का, देख के ना मजा आ जाएगा। क्योंकि मुझे देख के मजा आया तो आई होप तुम्हें भी मजा आएगा। सो लेट्स एंजॉय द व्यू। जो वहाँ शॉट ले रहे थे हम डॉग वाला था, वो हमने ले लिया था, बट आई थिंक ठीक नहीं आया था। तो फिर हम नीचे आ गए, शिमला की तरफ आ गए, मतलब हम निकल गए घर के लिए। एक शॉट और हमें लेना है, वो लेंगे इस मैगी वाली शॉप पे, जिधर मैगी शॉप है उस पे लेंगे। फिर ठीक है, फिर मैगी शॉप से हम निकलेंगे वहाँ से, और वहाँ एक शॉट है वो ले ला के फिर चलेंगे। ठंड लग रही है कुछ, पैरा बिना सही सा मतलब जबान भी लड़ खड़ा रही है मेरी। तो हाँ शॉट वॉट लेते दिखाऊंगा आपको कैसे लेंगे। बने रहो, सुनो सुनो अगला हमारे एक गाना है उसकी एक लाइन सुनाता हूँ। जल गए बहुत, तू कितनी है हॉट, बाकी सब बाद में। ठीक है अभी करते हैं, अभी करता हूँ दिखाता हूँ सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है बजे रहो मेरे भाई। कट, तुम उठ के आ जाओगे ऐसे। मैं कहूँगा ये दुकान के पैसे, तुम पैसे मांग रहे हो। अच्छा मैं कहूँगा पैसे नहीं है तो तुम धक्का दे दोगे। चल निकल, मैं गिर जाऊँगा। यदि गिरूंगा तो मैं भाजी एक दो उठा के फेंक दूँगा। एक ही तो उठाना, ज़्यादा नहीं। बोलो भाई क्या चाहिए। हाँ पैसे का कर देना सारा। क्या चाहिए भाजी, उठाओ फेंक दो। टैकल भाई और पीछे से आओ, उस साइड से, गाड़ी साइड से, अपनी अपनी गाड़ी साइड से। अबर 3-2-1 एंड एक्शन। कोई बात नहीं यार, अब छोड़ो, रहन दो तुम गिर जाओ। तो फाइनली हमारा शूट खत्म हो गया है, जो भी शॉट्स बचे थे सारे कंप्लीट हो गए, मतलब वीडियो के जितने भी शॉट्स थे सब खत्म। अब निकलते हैं यहाँ से, टाइम हो गया 6:30 बज रहे हैं शाम के। अब यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए, नोएडा जा रहे हैं अपने घर, वजह थक गए। अब चलते हैं घर, रस्ते में अगर रुकेंगे खाएंगे पिएंगे तो तब मिलूँगा तब बातचीत कर लूँगा आपसे, तब से सीधे नोएडा ही चलेंगे, वहीं घर पर ही बात होगी। ठीक है भैया, सेठा दा ढाबा यहाँ बढ़ेंगे हम, यहाँ रोटी खाएंगे। यू सेठा दा ढाबा यहाँ रोटी खाएंगे। ये कुछ नकली से हिरन और एक उसे डिम डिम करती लाइट और एक उसे लगी हुई टेबल, जिन्हें हम बैठ के खाट भी लग रही है यहाँ से। खाट पे बैठने टेबल पर बैठेंगे तो हमारा जी कर रहा है जहाँ बैठेंगे। सिस्टम है पता, यहाँ पे पंजाबी सिंगर जितने हैं ना, जितने यहाँ से लेकर वहाँ तक एंड तक ना, सारे पंजाबी सिंगर एक्टर जो भी है ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, सबकी फोटो वाटो लगा रखी है। जब सब लोग आ रहे हैं, खाना पीना ऑर्डर करते हैं, फिर चलते हैं। चलेंगे क्या, मतलब ऑर्डर करते हैं, खाते पीते मिलते रहेंगे आप सबसे।
निकलता देखना देखता बट फिर भी इंजॉय कर। हेलो, तो गुड मॉर्निंग सभी को। और सवेरे हम 6 बजे के टाइम अपने घर पहुंच गए थे और अब बज रहे हैं 12:30, मतलब कि 5-6 घंटे सो लिए बढ़िया। और अभी एक जो मैंने बताया था कि जो स्टार्टिंग के शॉट्स हैं वो बचे हुए हैं, तो अभी यहाँ से कुछ दूर पे एक गांव है, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ करेंगे उनको शूट्स, तो वहाँ चलेंगे, जो कुछ भी जैसे शूट करेंगे वो सारा कुछ वहाँ भी दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं, रेडी वेडी हो जाऊँ, फिर मिलता हूँ आप सबसे। तब हम जा रहे हैं अपना लास्ट शॉट लेने के लिए ग्रेटर नोएडा से थोड़ा सा आगे, बुलंदशहर से थोड़ा पहले। मैं, ऋषभ भैया, वरुण और प्रतीक, देखो सबने सफ़ेद कुर्ते पहन रखे हैं, बस प्रतीक ने नहीं पहने, वरुण ने जैकेट पहन ले ऊपर, तो वरुण का देखना रहा। तब चल रहे हैं, धूप बज गए, दिन के बज गए 3:30, बहुत बड़ा शॉट नहीं है, वो छोटा सा शॉट है, बस टाइम लगेगा उसको, पहले से कुछ चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी फिर वो होगा। तो चलो चलते हैं, रास्ते में आपको व्यू दिखाता रहूँगा और गाँव में चलेंगे तो वहाँ के खेत रेती दिखाऊँगा। चलो डेस्टिनेशन पे, जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच गई। देखो पूरा एरिया बिल्कुल क्षेत्र गाँव हो गया, यहाँ से कई उपले उपले भी लग रहे हैं, तब यहीं पे सेट बनाएंगे। फिलहाल वरुण देख रहा है लोकेशन कहाँ पे बढ़िया रहेगा वो सेट जो हमें बनाना चिता का, तो यहाँ से कहीं देख रहे हैं जहाँ बढ़िया लगेगा वहीं बनाएंगे। चिल्ला के सबको स्कीमें बता दो हैं, स्कीम बताने को तो ब्लॉग बने और किस चीज़ को बने हैं। सही है, सही है भाई। है नहीं हमारे सब भैया, ये क्या बने थे वो मैं बाद में बताऊँगा, इनका करेक्टर बहुत अलग था, कल बताऊंगा, मैं कल नहीं अभी नहीं बता रहा, बता दूंगा जब मन करेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल जगह हम जो फाइनलाइज कर लें उसके बाद कहाँ बनाएंगे, जो जो चीज़ें प्रक्रियाएँ होंगी वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। अरे हमारे बड़े भाई साहब हैं जिनका पूरा 76 है, ठीक है ना, हमारा तो जब है तुम बड़े भाई साहब, तो तुम हो हम उनके छोटे भाई साहब। ठीक है जी, तो अभी फाइनल कर लें फिर मिलते हैं दोबारा। तो फाइनली हमारी लकड़ी आ गई है जिनका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, ये रही हमारी लकड़ी। अरे ये लौंडिया जो लौंडा, ये लौंडा है, अरे ये लौंडा ना, ये मुझ पारा जो लेकर आया ना, अरे ड्राइवर ही है तू भैया, ड्राइवर ये भैया, ड्राइवर है ये भैया, ये हमारा जो चिता जलाने के दोनों बन गए। देखो एक ये रही और एक ये रही, दोनों बन गए हैं, अभी आग वाग जलाएंगे तब देख लेना, दोबारा दिखाऊंगा। अभी फिलहाल जलने से पहले ये देख लो, एक इधर अब थोड़ी देर जलेगी आ तो फिर देख लेना। तो गाइस ऑल सेट है, सारे भाई अपने खड़े हैं आज के, ये देखने को कैसे चिता जलेगी, नकली चिता, अरे थोड़ा सा वरुण और प्रतीक का डिस्कशन और कैमरा में दो रहे हैं। देखो कितने राजी हो रहे हैं चिता जला के, चल तो देखो सारे भाई आगे काम के पूरे, अरे आप पीछे से दिखाऊंगा तो मैं वहां से दिखाऊंगा कैसा लगा है, कैसे जलाएगी सारी चीज दिखाऊंगा, बने रहो। आग तो लगा दिया लेकिन धुआं ही धुआं हो गया पूरे में, दिख ना रहा कोई कुछ तो थोड़ी देर में ये धुआं कंट्रोल हो जाएगा फिर लगेगा बढ़िया आग। थोड़ी पेट्रोल और वो ना गिर जाए तो तेज हो जाएगा, पर आग जल रही है, चलो अभी तेज जल जाए फिर दिखा दो। चिता वाला जो सीन था वो खत्म हो गया।
है मतलब थोड़े से एक दो शॉट्स बचे हैं, उधर देखो कहीं कोने में देख रहे हैं बाबा जी बैठे वहाँ हो रहे हैं, बाकी यहाँ तो सारा एंड है मामला। थोड़ी बहुत देर में आपसे निकलेंगे हमारे रुचित भाई, इनसे मिलो, ये कह रहे हैं चाय पानी पी लो, घर चलना पड़ेगा, देखो घर चलेंगे जैसा प्लान बनेगा वैसा चलेंगे, जो होगा बता दिया जाएगा तुम्हें अभी। तो अभी फिलहाल यहाँ के शॉट्स खत्म करते हैं फिर चलते हैं आगे। तो फाइनली हमारा यहाँ का जो शूट था वो खत्म हो गया, अब हम जा रहे हैं रुचित भाई के गांव, वहीं चल कर बातचीत होगी, अब गाड़ी में बैठ रहा हूँ फटाफट। ठीक है जी, शूट फाइनली खत्म हो गया और रुचित भाई ने हमारे और बड़े भाई साहब कहेंगे हमारे भैया यहाँ कुछ एक हमारे बड़े भाई साहब ये एक हमारे भाई साहब ये सारे मिलकर बहुत बढ़िया शूट करवाया हमारा, पूरे गाँव में बढ़िया शूट हो गया। बाकी चाय पानी कर लिया भाई के, भाई नौका पे आदेश मैं पीता ना हूँ तो हमारा मैंने पिया ना, मैंने चाय पी ली और नमकीन खा ली, तब यहाँ से चल रहे हैं तब यहाँ से चल रहे हैं भाई, प्रतिमा से गाड़ी मोड़ के ला रहा फिर चल रहे हैं यहाँ से। थैंक यू सो मच भाई, मजा आया यार। बाकी तुम किसी दिन फिर बैठते हैं मेरे भाई, ज्यादा दिन फ्री हो बाद में कॉल करनी हो, आराम से शांति से बैठना है। ठीक है, ये भी धरो पहले ठीक है, ओके मेरे भाई ठीक है, ये अपने भाई ठीक। चलो भाई सहवा आ गया हमारे भैया सहवा, यू सहवा आ गया, अगली बार कभी और आऊंगा तो मिलवाऊंगा तुम्हें सचिन से। ठीक है चलो चलते हैं।